नाम कालूराम सैनी है, ग्राम श्रीपुरा में रहते हैं और यहाँ लगभग हमारे यहाँ प्याज की खेती अच्छी होती है और सभी जिनको और सब्जियाँ का भी काम करते हैं लेकिन हम विशेष प्याज का ही काम करते हैं और प्याज का हम जो है स्टॉक भी करते हैं भंडारण, जो बारिश के बाद निकालते हैं इसको। तो इसमें जो क्या है, हल्का माल होता है वो अभी निकाल देते हैं, बढ़िया जो गोल्ड माल होता है उसको हम रख लेते हैं, बारिश के बाद में जो बेचते हैं तो हमको अच्छी उपज मिलती है। इससे क्या कि हमारे पास जो है आय का साधन विशेष करके ये है। हमारा स्टॉक वाला माल जो होता है उसकी हम ग्रेडिंग करते हैं, ग्रेडिंग कर रहे हैं, चलो मैं आपको दिखाता हूँ ग्रेडिंग कहाँ चल रही है। हाँ, ये माल जो है हमारा सफर रिजेक्ट है, अगर इस माल को अगर अपन नहीं निकालते हैं तो ये माल को सबको ख़राब कर देगा और दूसरी बात इसके अगर मिक्सर जाएगा तो दाम नहीं मिल पाएंगे। तो ये हमारा बिल्कुल 0 पॉइंट माल है, सफर रिजेक्ट, तो इसको अभी हम निकालते हैं। अब आप चलिए मैं आपको एक नंबर माल बताऊँ जो स्टॉक करते हैं। हाँ, ये माल है हमारा एक नंबर का, अब इसको जो है हम बारिश बाद बेचते हैं दीपावली के टाइम पे, बढ़िया इसको जो रखते हैं इससे अच्छे दाम मिलते हैं। पिछले साल हमने जब फसल पे माल निकाला था तो हमको 5 रुपये से 11 रुपये तक के दाम मिले थे पर किलो और फिर हमने स्टॉक करके माल निकाला तो हमको 35 रुपये से लेकर 80 रुपये किलो तक के दाम। अब ये माल हमारा बिल्कुल क्लियर करके हमने रख दिया, अब ये पंखा लगाए पंखे चलते हैं इसमें, मौके मौके पर इसमें जो है साइड में से हवा भी देते हैं और रखा रहता है। फिर एक महीने बाद इसको जो है दोबारा ओंधा के कट्टे हूँ बोरी को और फिर छांटे भी नहीं करते हैं, अगर कोई दाना जो ख़राब होता है उसको फिर निकाल देते हैं, फिर दोबारा पैक करके फिर रखे रहते हैं। तो एक महीने के अंतराल से फिर एक दो बार फिर देख लेते हैं, इससे अपने को जो है एक दाना सड़ता है वो 4 दाने और साइड में जिन जिन से लगना है। अच्छे माल की हम जो छटनी पिटनाई करके नहीं फिर इसको जो है हम बंद जगह में रखते हैं, बारिश के टाइम पे इसमें पानी नहीं आने देते, गर्मियों के टाइम में इसमें पंखे चलाते हैं, पंखे चलाने से क्या इसको ठंडी मिलती है तो ये ख़राब नहीं होती, बारिश में अगर भीगने से बचाते हैं तो ये सड़ती नहीं है। हाँ, ये हमारी छटाई चल रही है, तो इसमें से क्या है हल्का माल जो है इसको हम जो निकाल के अभी मार्केट नहीं ले जाएंगे, इसमें जो पुंगी वाला है ये और स्टॉक माल जो होता है वो बड़ा वो हम रख लेते हैं तो वो उसको हम बारिश बाद बेचते हैं। अगर इसको अपने बंद पक्के कमरे में रख दिया और इसको हवा नहीं लगी तो ये पूरा नष्ट हो जाएगा, सड़ जाएगा, फेंकने में बदबू मारेगा, इसलिए इसको जो है जंगले वाले कमरा मकान हो पंखे लगे हों उनमें बाहर की हवा इसको मिलना बहुत आवश्यकता है। हाँ, ये माल लगा ये अब इसको हमने अलग निकाल दिया, ये क्योंकि बिल्कुल छोटा माल था, इसको जो है अभी बेच देंगे और नहीं तो फिर इसको हम जो है थोड़ा लेट बेचेंगे, लेकिन एक नंबर का जो माल होता है वो तो हम स्टॉक करते हैं। इसकी स्टॉक की जो है रखने में सावधानियां जो बरतना चाहिए किसानों को, मेरा एक कहना है, मेरा अपना आपका तजुर्बा है कि बाहर की हवा इसको लगना जरूरी है, जो बड़े बड़े अपने हॉल बने हों उनमें जंगले लगे हों जाली वाले, और अगर जंगला जाली हों कि नहीं है बाहर की हवा नहीं जा पा रही तो अपने को पंखा चलाना बहुत आवश्यकता है, अगर बाहर की हवा पंखे नहीं मिले तो ये 2 महीने में गलेगा सड़ेगा, उत्ता जो है 8 दिन में सड़ जाएगा, इसलिए बाहर की हवा आना इसको बहुत ज़रूरी है। महीने ओंधाओ और दोबारा बीन के भर दो, 1-2 दाने खराब निकलेंगे उसको हटा दो। हाँ, मेरा एक किसान भाइयों से निवेदन है कि जिस तरीके से जो मैं मेरी बुद्धि के अनुसार जो स्टॉक के व्यवस्थाएं कर रहा हूँ उससे और भी अच्छा करने की कोशिश करें, अच्छा स्टॉक करें, ताकि इससे जो मैं रख रहा हूँ मैंने जो बताई है पंखे की हवा चाहिए बाहर की खुली हवा चाहिए, इससे आपके नॉलेज से अगर हो सके तो और भी कोई अच्छी उन्नति करके इसका सड़ने गलने से बचाएं स्टॉक की, तो इसमें आपको अधिक लाभ होगा। धन्यवाद भाइयों से कहना, अरे यार, हाँ मैं किसान भाइयों से कहना चाहता हूँ कि फसल पे माल जो हल्का माल हो वो ही निकालें, बाकी अच्छा माल हो भाई स्टॉक करें ताकि 4 गुने पैसा मिले, क्योंकि फसल पे निकालने से अपने को दाम जो मिलते हैं अगर स्टॉक अपन ने कर लिया बारिश के समय पे या समय सीजन से हटके बेचते हैं तो अपने को 1 से 10 गुना पैसे अधिक मिलेगा। साहब बहुत बहुत धन्यवाद है आपको।